हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद नूर हुसैन। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक वीडियो बना रहा हूँ कि अखबार कैसे पढ़ना है आपने। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अखबार कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमने उसमें देखने होते हैं, कौन से टॉपिक्स, कौन से सेक्शंस, किस तरह से सारी चीज़ को हमने देखना है, कितनी देर पढ़ें, कितने घंटे लगाना चाहिए। कई बच्चे कह रहे हैं कि हम 2-3 घंटे लगा देते हैं अखबार पे। देखिए, अखबार जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन जो है वो इस पे लगा दें या 2 से 3 घंटे जो हैं वो अखबार पे लगा दें। बिल्कुल भी जो है वो आपने ऐसा नहीं करना। आपने डेली पढ़ना है, लेकिन आपने उसको 30 से 40 मिनट दे दें, 45 मिनट्स मैक्सिमम आपने अखबार को देने, इससे ज्यादा आपने नहीं देना। आपने ये एक स्किल डेवलप करना है कि आप चीजों की जिस्ट जो होती है, जिस्ट क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। शुरू शुरू में जब आप अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, हर चीज हैजर्ड लगेगी। अगर आप बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, इट विल टेक अ वाइल कि आप यूज्ड होंगे, चीजों को कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, एक डेवलपमेंट से अगली डेवलपमेंट, और आपके अपने जहन में जो है वो पूरे का पूरा जो है वो एक माइंड मैप बन जाएगा। इसलिए आपने इसको जो है वो एक हैबिट बनानी है, लेकिन उसको एक एक्सेस तक नहीं लेके जाना कि आप 2-3 घंटे लगा। अगली चीज ये है कि फिजिकल अखबार पढ़ें या ऑनलाइन। मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें। मैं आज भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं फिजिकल अखबार नहीं पढ़ता। उसका फायदा ये होता है कि किसी भी वक्त आप अपना फोन निकाल के जो है फोन पे देख सकते हैं, टैब पे देख सकते हैं या लैपटॉप पे देख सकते हैं। और उसका ये फायदा है कि आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं, आप उसमें से टेक्स्ट कॉपी करके अपने वर्ड की फाइल में लेके जा सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ऐप है जो नोट मेकिंग करती है, ऐसी ऐप्स भी होती हैं, उसमें भी आप लेके जा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और जो है आप उसको कई तरीकों से स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्योंकि देखिए, नेट रिजल्ट अखबार का ये है कि वो आपके नोट्स में भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही अखबार पढ़ें। अब देखते हैं कि किस तरह से अखबार पढ़ना है, कौन से जो है वो उसके सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और आपने उसको किस तरह लेके चलना है। देखिए, ये मैं dawn.com लगाता हूँ, और मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा कि आपने डॉन को ही पढ़ना है। जब आप डॉन की वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी। इसमें आपको मैं डिफरेंट सेक्शंस दिखा देता हूँ। ये ऊपर कैटेगरीज होंगी न्यूज की, जैसे लेटेस्ट, पाकिस्तान, बिजनेस, ओपिनियन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूज हैं उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ। और प्रॉबेबली जब आपके पास फिजिकल अखबार आता है तो वो इन्हीं कैटेगरीज पे डिवाइडेड होते हैं पेजेस। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल अखबार में, खास तौर पे डॉन, क्योंकि डॉन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट न्यूज आ रही होती है वो इस कॉलम पे है। ये जो लेफ्ट मोस्ट आपको कॉलम नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है वो डॉन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट यहाँ सबसे टॉप पे आ जाएगी। ये आज की न्यूज है तो ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इधर से शुरू करें और इस ही जो पूरी की पूरी कॉलम है इसके अंदर ही देखें। मेन न्यूज आ गई, उसके बाद जो सारी नीचे की न्यूज हैं वो आपने देख लेनी। मोस्टली आप में से लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैं बेसिक्स गो थ्रू कर रहा हूँ डिजिटल रीडिंग के, ताकि आपको अंदाजा हो। ये मैं आपको सिचुएशन में बता दूं अगर आप टैब या लैपटॉप पे देख रहे हैं, लेकिन आप फोन पे खोलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सेक्शन ही मेन पे आपके आ रहा होगा। इसमें जो न्यूज है डिफरेंट वो आपने देखनी है और वो आपने पढ़ लेनी है। अब इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप ये चॉइस लें, सुबह उठ के जब भी आप अखबार खोलें, अपना फोन खोलें, तो आप ये चॉइस लें कि आप जो हैं कौन सी न्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि आप सारी न्यूज जो हैं वो नहीं पढ़ सकते ना आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है और आपकी उसमें तैयारी में उससे कोई जो है फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अब आपने ये खोल लिया है, अब आप देखें कि कौन सी न्यूज पढ़नी है। देखिए, अगर तो कोई इंपॉर्टेंट है जो आपके टॉपिक से रिलेट होता है, जैसे कि अगर ये देखिए, ब्लिंकिन रिमार्क्स रीअसेसिंग टाइज नॉट इन लाइन विद क्लोज यूएस
पाकिस्तान कोऑपरेशन फॉरेन ऑफिस। अभी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि इसमें यूएस पाकिस्तान कोऑपरेशन की एक बात हो रही है। तो ये आप जरूर पढ़ें, ये आप पहले खोल सकते हैं। फर्स्ट करें हम ये न्यूज पढ़ते हैं, ये न्यूज आप जरूर पढ़ें। पहले आप उसका एक सेंट्रल आइडिया ले लें, जो कि पूरा ऊपर लिखा होता है, जो उसकी मेन हेडिंग है वो उसका सेंट्रल आइडिया ही होता है। बाद में आप उसको डिटेल में पढ़ लें कि उसमें क्या सारी डिटेल लिखी हुई है, क्या बेसिक जो है वो उसमें आइडियाज आए हैं, उनको आप पढ़ें। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है वॉर ऑन टेरर में, तो आप उस तरह की चीजों को नोट भी कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह से इफेक्टिव है और इसको मैं किस तरीके से जो है वो यूज कर सकता हूँ। जब वो न्यूज आप पढ़ चुके हों तो आप दोबारा बैक पे जाएं और फिर उसी कॉलम में, आपके फोन में ये कॉलम मेन पे आ रहा होगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो ये कॉलम आपके लेफ्ट पे आएगा। इसमें अगली न्यूज देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन्वाइट्स ताजिक इन्वेस्टर्स टू पाकिस्तान ड्यूरिंग टू डेज डेर विजिट टू अटेंड एससीओ समिट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो ये डिटेल आप अपने इवेंचुअली आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आप अगली देखें, ये एक लोकल न्यूज है, एक केस है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सी एस एस, तो आप आगे जा सकते हैं। फिर ये कोई इकोनॉमिक्स की खबर है, अगर वो आपको लगता है कि रेलिवेंट है तो ठीक है, वरना आगे चलें। फिर इससे अगली एक न्यूज है जो कि अफगानिस्तान के फ्यूचर से रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेनी है, इसको खोलें, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह आपने जो है वो अपनी डेली जो है वो न्यूज की हैबिट बनानी, और क्विक रीडिंग करनी है। क्विक रीडिंग में आप बहुत टाइम नहीं लगाते, मेन आइडिया उसका ग्रैस्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया न्यूज। अगला पार्ट हमारा है एडिटोरियल, एडिटोरियल और ओपिनियन। अब एडिटोरियल जो है वो क्या पार्ट है कि जो आपने ओपिनियंस वगैरह यहाँ से देखने हैं। अच्छा देखिए, अगर आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो ये आपके इस साइड पे आ रहे होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप नीचे आएंगे ये वो सारे सेक्शन हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास फिजिकल अखबार होगा तो फिजिकल अखबार भी जो है उसमें ये एक पूरा सेक्शन होगा एडिटोरियल और ओपिनियन। इसके बाद ये सारा बताने के बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन वो फिजिकल अखबार वाला वर्जन भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने उस तरह से चीजों को देखना। अब ये एडिटोरियल है, इसमें एक पार्ट ओपिनियन है, दूसरा पार्ट एडिटोरियल है, जो कि एडिटर जो है वो डिफरेंट चीजों पर ओपिनियन देते हैं। अब देखें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसपे ओपिनियन दे रहे हैं, एड फॉर अफगान्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अफगानिस्तान को एड की जरूरत है, डेफिनेटली आप पढ़ें। फिर ये वीट प्राइस से रिलेटेड है, कीपिंग द प्रेस आउट। अब ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने खुद प्रायोरिटाइज करना है कि आपने क्या उसमें पढ़ना है। मुझे लगता है कि आप अफगान वाला पढ़ लें, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही उसको जरूर जो है वो आप स्किप करें। इसके बाद जो है वो आपने, तो हम ये ओपिनियंस, एडिटोरियल्स और ये जो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें जो डिफरेंट ओपिनियंस दिए हुए डिफरेंट राइटर्स ने वो पढ़ सकते हैं। हमने बात की कि एड फॉर अफगान ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम पढ़ लेंगे, अफगानिस्तान क्राइसिस में ऐड करेगा। तो जो आपके सीएसएस के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ही आप जो हैं वो चीज़ों को पढ़ें। इसमें डिफरेंट जो हैं वो ऑथर्स आपको मिलेंगे, वो ओपिनियंस दे रहे होंगे, लेकिन आपने एक पूरी जो है वो चॉइस लेनी है कि आपने किस किस्म के जो है वो ओपिनियंस पढ़ने हैं। ये ना हो कि आप सारे के सारे पढ़ें और आपका जो है वो टाइम वेस्ट हो जाए। ये ओपिनियंस और इसमें एडिटोरियल में क्या फर्क होता है कि ये डिफरेंट ऑथर्स होते हैं जो कि ओपिनियन देते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। दूसरे जो ये एडिटोरियल होते हैं, ये जो अखबार के अपने एडिटर्स हैं वो ये सारे जो है वो देते हैं। ये बेसिक मैंने आपको दिया। फर्स्ट करें आप ये पढ़ना चाहते हैं कि एड फॉर अफगान्स, इस पे आप क्लिक कर लें और इसमें जो है वो आप उसको पढ़ के उसके ओपिनियन से कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट कर लें। ओपिनियन पढ़ने का मकसद क्या होता है कि आपका जो है वो ओपिनियन स्ट्रांग हो। इसमें से अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे ये कोई आपको फैक्ट एंड फिगर मिलता है
तो उसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, अपने जहां भी आप नोट्स ले लें। इससे जो है वो आप रिसर्च करेंगे उस चीज की और उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब आपका अपना एक पूरा ओपिनियन उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, फाइनल आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। ये तो हमने बड़ा बेसिक एक चीज को समझा कि अखबार आपने कैसे पढ़ना है और डिजिटल अखबार आपने कैसे पढ़ना है। ये होगी जो बेसिक, एक तो मेजर न्यूज, दूसरे के एडिटोरियल और ओपिनियंस अगर आपने पढ़ने तो कैसे पढ़ने। फिर ऑनलाइन एक और इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपने सिर्फ वर्ल्ड की भी न्यूज पढ़नी है और इस डॉन के सेक्शन से। वर्ल्ड न्यूज क्यों पढ़नी है कि जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, दे आर रिलेटेड टू द वर्ल्ड, वो आपने यहां से देखनी है। तो इसको भी आप जो है वो जरूर पढ़ें। पहला आप जो है वो मेन न्यूज पढ़ें, फिर आप वर्ल्ड न्यूज पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। जब आप वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो सिर्फ वो खबरें आएंगी जो कि ग्लोबल हैं और लोकल नहीं है। उससे ये कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड ग्लोबल न्यूज ही जो है वो मिलेंगी। इससे फायदा ये होता है कि आप क्विकली जो है सिर्फ ग्लोबल न्यूज पढ़ लेते हैं और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह आप वर्ल्ड न्यूज देख लें, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगती है आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने वर्ल्ड न्यूज किया है तो इसमें डिफरेंट अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, साउथ कोरिया से रिलेटेड कोई न्यूज है, और कोई अगर ग्लोबल न्यूज है जैसे ये देखें तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसका आपको जो है इवेंचुअली करंट अफेयर्स में फायदा होगा, इस तरह की जो ग्लोबल न्यूज है। तो इस तरह आप करंट अफेयर्स की भी जो है वो साथ साथ न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन आपने क्विकली पढ़नी है, पूरे पूरे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, थोड़ा सा जो है उसमें बस पढ़ें, आप मेन आइडिया लें और आगे बढ़ें। अच्छा, ये जब आपने पढ़ लिया है, अब इस सारे अखबार को पढ़ने का एक और भी तरीका है, और वो ये है कि ये डिजिटल न्यूज के अलावा आप जो है वो फिजिकल वाला जो न्यूज़पेपर होता है वो भी पढ़ सकते हैं। और जो फिजिकल वाला न्यूज़पेपर है वो आप किस तरह पढ़ सकते हैं, इधर क्लिक करके। ये जो इसके नीचे पार्ट होता है ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, टुडेज पेपर September 16, 2021, जहां पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अखबार उस तरह का मिलेगा जो कि फिजिकली आता है। अब आप ये देखिए, ये आज का अखबार है और ये बिल्कुल उसी तरह आ रहा है कि जैसे आप फिजिकली उसको देखेंगे। ये मेन पेज है और इंटरेस्टिंगली ये देखें, इस साइड पे डेट्स आ रही हैं कि किस डेट का अखबार आप पढ़ना चाह रहे हैं। इस वक्त हम 16 पे हैं तो आज 16 है तो इस 16 की डेट है, और इस साइड पे उस अखबार के जो एक्चुअली फिजिकल सेक्शंस होते हैं वो नजर आ रहा है। जैसे कि हम इस वक्त फ्रंट पेज पे हैं और फ्रंट पेज से अगला नेशनल है, नेशनल, नेशनल फिर एडिटोरियल, फिर ओपिनियन, फिर नेशनल, फिर बिजनेस, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल, बैक पेज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और फिर मेट्रो, ये जो लोकल न्यूज है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो फ्रंट पेज जो कि इस वक्त खुला हुआ है। तो फ्रंट पेज हमारे पास खुला हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यही असूल होता है न्यूज का। इस वक्त सबसे बड़ा फॉन्ट जिसका होगा वो जरूर देखें क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पीस ओनली इफ तालिबान टेक ऑल फैक्शंस अलोंग, ये एक न्यूज है। इसमें और भी आप न्यूज देख सकते हैं, इसमें आपको तस्वीरें भी मिलेंगी जिस तरह की न्यूज में आती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक तरीका है न्यूज को पढ़ने का। इसमें फर्दर भी आप डिटेल में जा सकते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं वो इसके क्लिकेबल होते हैं। अगर मैं इस न्यूज पे क्लिक करता हूं तो वो न्यूज ही सिर्फ खुल जाएगी, और वो बिल्कुल इस तरह खुलेगी कि जैसे अखबार का एक जो पीस है वो उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया हो। अब आप ये देखें, पीस ओनली इफ तालिबान टेक ऑल फैक्शंस अलोंग, ये एक न्यूज है, वो बिल्कुल अखबार की ही क्लिपिंग्स जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जो उसकी नीचे डिटेल नजर आ रही है, और वो जो है आप इस तरह पढ़ सकते हैं। और आपको बिल्कुल जो एक रियल न्यूज़पेपर वाला है वो एक एक्सपीरियंस इस पे
फोन पे या लैपटॉप पे भी मिल सकता है, क्योंकि उसी की पिक्चर्स लेके इन्होंने उसको अपलोड किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तस्वीर की फॉर्म में आप बेहतर नहीं पढ़ पा रहे, तो उस एग्जैक्ट न्यूज को आप टेक्स्ट की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्म में जब आप उसे पढ़ेंगे, टेक्स्ट व्यू को क्लिक करेंगे और वही न्यूज टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगी, जो कि अब आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ऊपर आपको न्यूज़पेपर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अब आपने टेक्स्ट व्यू कर लिया, तो आप उसको न्यूज़पेपर व्यू भी करके दोबारा न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देख सकते हैं। अब वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो टेक्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो सकता है। इस टेक्स्ट को आप कॉपी करके, अगर आप कोई आर्गुमेंट कहीं पे बनाना चाहते हैं, कोई वर्ड की फाइल में कॉपी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब वो टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। इस तरह जो है वो आप इस सारी न्यूज को, न्यूज़पेपर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। ये हमने एक सेक्शन पढ़ा, तो इस तरह एक रियल न्यूज़पेपर का भी आप ऑनलाइन जो है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फर्स्ट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या चीज है। तो ये एक पूरी न्यूज है जो कि हमें इसमें मिल रही है। इसमें हमें यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस की एक न्यूज मिल रही है। हम ये कर सकते हैं, इस तरह आप पूरा अखबार पढ़ें। जब आपने फ्रंट पेज पढ़ लिया है, फिर आप जाएं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस होने चाहिए। एक तो एडिटोरियल, ओपिनियन, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपने पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से और पाकिस्तान के एंगल से। इसमें आप अगर इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपके न्यूज़पेपर का वो वाला पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज होती है। अगर आप देखें साउथ कोरिया टेस्ट सब लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक न्यूज आ रही है। यूएन विड्रॉज पीस कीपर्स, ये एक न्यूज आ रही है। फिर हमें ताइवान से रिलेटेड एक न्यूज नजर आ रही है। तो हमें एक प्रॉपर जो है वो एक वही व्यू मिल रहा है जो कि एक्चुअल अखबार का होता है। एक और तरीका नेक्स्ट पेज पे जाने का होता है कि आप यहाँ से जो है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक नेक्स्ट पेज आ जाए। तो आप देखें यहाँ से हमें फिर पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल ही है और यहाँ से भी जो है वो इंटरनेशनल पे आ चुका है। अब आप इसमें से कोई भी जो है वो न्यूज दोबारा उसी तरह जो है वो पढ़ के क्लिक करके जो है उसको आप खोल सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं। इसको इवेंचुअली आप सेव भी कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर्स की फॉर्म है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर व्यू नहीं टेक्स्ट व्यू देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट व्यू पर क्लिक कर दें और फिर उसकी जो है वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में न्यूज़ आ जाए। इससे ये है कि आपका डिजिटल एक्सपीरियंस न्यूज़पेपर का और आपका जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आप ज़रूर पढ़ें एडिटोरियल और ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन और एडिटोरियल, आपका ओपिनियन और आपका जो एक व्यू है वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब आप देखें ये बिल्कुल असल न्यूज़पेपर का आगे है और इसमें डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हैं। ये भी है फ्रॉम द पास्ट जो है और रॉयल टैक्सीडर्मी। फर्स्ट करें ओपिनियन हम खोल लेते हैं और यहाँ पे आप उसका ओपिनियन भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ये एक पूरा तरीका है। एक और भी तरीका ये है कि अगर आपको पुराना अखबार रिसर्च करना चाहते हैं, पुराना अखबार अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। एक आपको टिप मैं देता हूँ कि आप यहाँ से पुराना अखबार भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई बहुत पुरानी फर्ज करें, मैं यहाँ पे अगस्त के किसी अखबार में रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कम्प्लीटली पुराने अखबार भी देख सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं जनवरी की कोई न्यूज़ देखना चाहता हूँ, जनवरी 2021 और 1 जनवरी को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो पूरी की पूरी उस दिन के जो अखबार हैं उसकी न्यूज भी जो है वो मिल जाएगी। उसके पूरे सेक्शंस, फ्रंट पेज, बैक पेज, हर चीज जो है वो न्यूज की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। इस तरह आप पुरानी भी अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताता हूँ जो आपकी रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा
वो ये है कि आपने इस सर्च को भी यूज में लाएं, इसको यूज कर सकते हैं इस सर्च को, जो चीज आपको वैसे ना मिल रही हो वो आप यहाँ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। मैं उस पर एक पूरी और वीडियो बना दूंगा कि डिफरेंट चीजों पे आप रिसर्च आपने कैसे करनी है, और रिसर्च एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अभी हम इस चीज पे बात करें कि जो ऑलरेडी न्यूज आ गई है उस पर पढ़ना है। रिसर्च ये चीज होगी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप करना चाहें तो वो आप किस्सा से जो है वो कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और इसको अप्लाई करें और इस तरह जो है ना आप अपने न्यूज को जो है वो पढ़ सकते हैं।